एंड अब हम आते हैं सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड क्वेश्चन पे, जो कि कम्युनिटी पोस्ट में आया था लास्ट मंथ, स्ट्रैटेजी फॉर जेईई, क्योंकि अभी मेंस आ भी रहा है. सो व्हाट इज द बेस्ट लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी यू वुड लाइक टू गिव टू स्टूडेंट्स? जेई मेंस पे पर्सनली मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया था, बेसिक मेरा फोकस एडवांस पे था तो, बट लेकिन हाँ मेंस से एक महीना पहले जो हमारे पिछले 2 साल के क्वेश्चन है, मतलब जेई मेंस से पिछले साल भी और उससे पिछले साल भी बहुत सारे पेपर्स दिए हैं, तो हमारे पास एक इनॉर्मस क्वेश्चन बैंक है, तो हम किसी और दूसरे क्वेश्चन को करने के बजाय उन्हीं पास्ट ईयर पेपर्स को अच्छे से कर लें, लाइक 2022 के और 2021 के पेपर्स, तो हमें 2023 में मतलब लाइक अच्छा एक एडवांटेज मिलता है। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एनसीआरटी पढ़ना जरूरी है, तो इस वक्त हम 11th 12th की एनसीआरटी मतलब केमिस्ट्री की स्पेसिफिकली उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, मतलब लाइक आराम से अंडरलाइन भी कर सकते हैं ताकि हम उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को बार बार पढ़ें, तो ये बहुत आरामदायक रहता है। और जेई मेंस में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपका मतलब फोकस एडवांस पे है तो मतलब मेंस आप एकदम लाइटली दीजिए ताकि आपको एक एग्जाम का एनवायरमेंट मिले, और आपको दोनों एग्जाम देने ही है, मतलब दोनों सेशन के अटेम्प्ट तो करने ही है, अगर आप दोनों के लिए तैयारी करो वो जरूरी नहीं है, बट लेकिन आपको अटेम्प्ट तो करनी है ताकि एग्जाम का एनवायरमेंट आप मतलब फेमिलियर होते जाओ। राइट, एक तो क्वेश्चन आई थिंक इसमें दो तीन मेन चीज है. पहली चीज तो ये कि PYQs बहुत इज्जत से करके जाना है, उन्हें नहीं छोड़ना. दूसरी चीज एनसीईआरटी, और तीसरी चीज कामनेस, क्योंकि बच्चे क्या होता है पहला एग्जाम दे रहे हैं, पहला एग्जाम दे रहे हैं कोई बड़े लेवल का, तो उसमें बहुत घबरा जाते हैं और मेंस अपने फ्लंक कर देते हैं. मेरे खुद के ऐसे बहुत दोस्त है जो आईटी दिल्ली में आज की डेट, बट उनके मेंस में बहुत कम पीछे पीछे रैंक है. तो आई थिंक ये कामनेस वाली चीज भी बहुत जरूरी है. सो हाउ डिड यू डेवलप इट कि ये काम रहो एग्जाम टाइम में, एंजाइटी ना हो? मैं अपने आप से कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता था, लाइक मैं जो भी रैंक आती थी वो सेटिस्फाइड रहता था, ये मतलब इम्प्रूवमेंट तो कर ही लेंगे धीरे धीरे, बट लेकिन सेटिस्फेक्शन इज इम्पोर्टेंट, तो वो रहे ना तो ज्यादा एग्जाम में प्रेशर भी नहीं रहता है डूड, और मजा आने लगता। इस पॉडकास्ट में बस हम एक चीज सीखने वाले हैं, माइंडसेट. अगर हम माइंडसेट सही कर ले तो चीजें हो जाएंगी. सक्षम क्लियरली बस यही कह रहा है पूरी पॉडकास्ट के हर एक पॉइंट कि यार डिस्ट्रैक्शन कैसे ना हो. नहीं अच्छा है, क्लास में बैठने का मैं मन लगेगा, बट ये ध्यान रखता है कि पढ़ना इम्पोर्टेंट है. ये मतलब कुछ भी पूछो, हर चीज कहाँ था माइंडसेट. डूड सच्ची यार सक्षम, ये माइंडसेट ही बहुत अलग है इस बंदे का, एंड दैट इज द थिंग जिसमें हमें फोकस करना है. ये माइंडसेट डेवलप करना है, ठीक है? दैट्स अ थिंग विच जो भी एस्पिरेंट इस पॉडकास्ट को देख रहा है, दे शुड टेक दिस अवे फ्रॉम इट कि यार किस तरह से ये माइंडसेट को डेवलप करे, क्या क्या चीजें हमें अपने माइंडसेट में रखनी है, कैसे हम जैसे कॉम्पिटिशन को बहुत ही पॉजिटिव वे मिले. बहुत बच्चे होते हैं जो कोटा जाते हैं, एकदम गिल्ट में रहते हैं कि यार हम पढ़ नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे. यू शुड डू समथिंग अबाउट ना. उसने बोला, अभी जस्ट बोला कि गिल्ट को मैं पॉजिटिव वे में लेता. मेरे साथ खुद के साथ भी था, मैं गिल्ट को बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव वे में लेता था. मतलब मैं जानबूझ के कई बार होता था घूमने चला गया जिससे कि मैं आके पढ़ू, ये भी किया है मैंने. वो चीज बहुत अच्छी रहती है, उससे आप घूम भी लेते हो, आप फ्रेशन अप भी हो गए, आपने पढ़ाई भी कर ली. तो ये सब चीजें आपको अपने माइंडसेट में लानी पड़े, एंड दैट्स समथिंग जिस पे आपको वर्क करना. एंड जेई इज नॉट जस्ट अबाउट सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई. आई थिंक सक्षम वुड एग्री विद, राइट? हाँ बिल्कुल, मतलब जैसे ये जेई तो बेसिकली आपका पेशेंस मतलब टेस्ट करता है, मतलब नॉलेज तो खैर काफी लोग के पास होती है, मतलब आप एग्जाम में क्या करके आते हो, एग्जाम टेम्परमेंट कैसा है, आप वहाँ पे सही से बैठे हो कि नहीं, पेशेंस है कि नहीं आपने, तो आराम से हो जाते हैं। और जेई का पेपर एक तरह से सरप्राइज होता है, कभी वो एकदम टफ दे देता है, कभी लेंथी देता है, कभी आसान दे देता है, तो सरप्राइज के लिए भी हमें रेडी रखना पड़ता है अपने आप को। राइट.